तरी में छुट्टी पर गांव आई मुखबधिर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल श्रमम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीन सूत्रों के अनुसार घटना 20 जून 2019 की है और दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम गुहान नाला और निवासी मुकेश निषाद 28 साल के पुत्र ईश्वर निषाद छुट्टी पर गांव आई थी। नाबालिग मुखबधिर छात्र को साइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में दुष्कर्म की धारा 376/2 और 6 पॉस्को एक्ट के तहत युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शमेश्वर लाल पटेल ने 20 साल श्रमम कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं पटाने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।